अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के वीडियो की शुरुआत मैं सहरी के वक्त से नहीं कर रही हूँ एंड नाइदर दिस इज़ गोइंग टू बी अ फुल डे रूटीन बिकॉज आई वॉजेंट इन अ मूड टू शूट एनी थिंग एट ऑल टूडे बिकॉज वी हैड सम गेस्ट ओवर एंड देर वर सम अदर इंसिडेंट्स इज विल एंड ऑल्सो आज हम इफ्तार में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाएंगे, अहतमाम नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट ओवर चीज़ें रखी हुई थी। सो हम बस वही चीज़ों को रीयूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर टाइम हो रहा था अराउंड 12 or 12:30 इन द आफ्टरनून आई गेस। सो यहाँ पर अम्मी जो है वो सीख कबाब बनाएंगे इफ्तार के लिए, तो उसको जो कीमा है उसका मैरिनेशन वगैरह हम करके रख देंगे फ्रिज में एंड बस शाम को हमें इसे फ्राई करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कीमा जो है उसको मम्मी ने एक बार अच्छे से वापस मिक्सी ग्राइंडर में और पीस लिया था सो दैट इट बिकम्स मोर फाइन। और उसके बाद एक अनियन को लेके उसको भी चॉप करके उसका पानी पूरा स्क्वीज आउट करके फिर ऐड किया है इसमें। उसके बाद ग्रीन चिली का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा था अराउंड 1.5 टेबल स्पून। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपके कीमे में भी बिल्कुल पानी ना हो, उसको स्ट्रेनर में रख के अच्छे से 2-3 घंटे तक स्ट्रेन कर ले वरना कबाब टूट सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून भर के बेसन ऐड किया, भुना हुआ बेसन है। उसके बाद 1 टेबल स्पून से कम चाट मसाला था। उसके बाद एक अंडा ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पर सॉल्ट चला जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और उसके बाद कबाब का मसाला 1 टेबल स्पून। ये होममेड कबाब का मसाला है जो अम्मी मेरे घर पर बना कर रखे हुए थे पहले से ही रमज़ान के पहले। एंड उसके बाद चला जाएगा 1 लेमन और यहाँ बीज निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है मेरी अम्मी का, देसी पना यू नो या। सो एक लेमन स्क्वीज़ कर लिया है, उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अम्मी को यहाँ पर ग्लव्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब मुझे पड़ती है बहुत ज़्यादा, मैं बिना ग्लव्स के नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर एक हैंडफुल ऑफ मिंट लीव्स लिया है, उसको भी चॉप करके बारीक चॉप करके वो भी ऐड कर देंगे, आप कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर कोयले को अच्छे से हमने जला लिया था एंड कोयले का जो भाप है वो भी इसमें दे देंगे और कवर करके इसको एटलीस्ट 1/2 आवर तक रख देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर स्मेल है ना वो सारा हमारे कीमे में चला जाए, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इससे। ओके सो नाउ अब मैं अपने कपड़े वार्डरोब से निकाल लूँगी क्योंकि अभी मुझे शार लेना है। बट यहाँ पर शार लेने से पहले मुझे ध्यान आया कि जो मैं बेडशीट 1 दिन या 2 दिन आई गेस हो गए पहले निकाला था, तो मैंने दूसरी बेडशीट है वो अभी तक डाली नहीं है एंड एज आई सेड वी हैड सम गेस्ट ओवर, तो मैंने सोचा बस सही मौका है यहाँ पर बेडशीट जल्दी जल्दी से डाल लेती हूँ। तो बस जैसे तैसे मैंने बेडशीट यहाँ पर न्यू वाली बिछा दी है, उसके बाद मैं सीधा चली जाऊँगी शार लेने के लिए। एंड आफ्टर दैट मैंने सुबह भी आज फजर के बाद कुरान नहीं पढ़ा था बिकॉज आई वॉज बीन वेरी लेजी। तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं डायरेक्टली सोने के लिए चली गई थी एंड लेट सोकर भी उठी थी। खैर यहाँ पर मैंने थोड़ा देर के लिए कुरान पढ़ा एंड देन नमाज़ पढ़ूंगी एंड उसके बाद फिर से कुरान पढ़ना है बिकॉज एटलीस्ट 2 पारे तो कंप्लीट करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह से वो मैं कर पाई आज। ये ओके सो यहाँ पर अब हम दोनों ने, मतलब मैंने मम्मी ने, दोनों ने नमाज़ कुरान पढ़ लिया था, मतलब बाकी था और भी कुरान पढ़ते रहेंगे आराम से, बट मम्मी ने बोला कि जल्दी से ये वाला काम जो है फिनिश करते हैं, ये सीख बनाने वाला। तो बस हमने यहाँ पर जो सीख रॉड्स होती है ना छोटी वाली वो ले लिया है और उसकी हेल्प से हम सीख का शेप दे देंगे एंड बस यहाँ पर एक से भले दो, तो दोनों जन जल्दी जल्दी ये काम फिनिश करके इसको हम अभी फ्रिज में उठा के रख देंगे डायरेक्टली एंड देन विल फ्राई इट इफ्तार के वक्त। ओके सो यहाँ पर शाम का वक्त हो रहा है, इट वाज़ अराउंड 5:20 जब मैं उठी एंड फिर हमने असर की नमाज़ पढ़ी। हाँ थोड़ा सा लेट हुआ हम लोगों को, लेट हुआ नहीं एक्चुअली, हम लोग बड़े चिल्ड और रिलैक्स थे क्योंकि आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था इफ्तार में, वी जस्ट हैड टू रीयूज़ द थिंग्स। और यहाँ पर ये जो आलू की स्टफिंग है वो जब मैंने समोसा बनाया था इफ़ यू गाइज रिमेंबर, तो उसकी स्टफिंग बची हुई थी और ये समोसा पट्टीस थी हमारे पास, तो मम्मी ने बोला कि बस इसको इसी में स्टफ़ करके बस फ्राई कर देंगे। तो बस ये वाला काम मैं जल्दी जल्दी से फिनिश करूँगी एंड हमें और कुछ भी, मतलब
स्क्रैच से नहीं बनाना था, हमारे पास चना दाल का जो मिक्सचर था वो भी पड़ा हुआ था एक दिन पहले का, तो बस हमें उसे भी निकाल कर सिर्फ फ्राई ही करना था। और यहाँ पर इट वाज अराउंड 6 o'clock, तो मम्मी ने बोला जल्दी सीख कबाब को फ्राई कर देते हैं बिकॉज इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो बस बिल्कुल थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे हम इसको। एंड पहले फ्लेम को हाई रखना है और जैसे हम कबाब डालेंगे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना ताकि अच्छे से अंदर तक ये पक जाए। एंड यहाँ पर बस थोड़े से हमारे पास लौकी के स्लाइसेस जो हमने यूज़ किए थे वो भी बचे हुए थे, तो बस हम उसे भी जल्दी से फ्राई कर लेंगे और हमारी एक और एक चीज़ रेडी हो जाएगी। बहुत थोड़े से अमाउंट में था बट ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन तो चीट डे मना ही सकते हैं, राइट। और यहाँ पर चना दाल का जो पकौड़ा है वो भी जल्दी जल्दी से फ्राई कर लूँगी मैं। सो हमारी इफ्तार जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, मैंने समोसे भी फ्राई कर लिए और कबाब भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सीख कबाब, अम्मी ने फ्रूट्स भी कट कर लिए थे। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडेज़ इफ्तार वाज कि हमें काफ़ी ज़्यादा इफ्तारी हमारे नेबर्स से भी रिसीव हुई थी, सो या मज़ा आ गया, मतलब अच्छा वो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, राइट। सो या दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, और अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, अच्छे से प्यारे से व्लॉग में। सो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्टे पॉजिटिव, keep smiling, bye bye, tata, see you।